द्वारा ढूंगी में श्री गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति द्वारा गाजेबाजी के साथ नगर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कलश यात्रा बौरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना शिव मंदिर पर निर्मित की और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ की। वहीं समिति के महासचिव दीपक बलोना ने बताया है कि कालाढूंगी में यह 14वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। गणेश महोत्सव का 14वां महोत्सव है जो विगत 13 वर्षों से मनाया जा रहा है, इस साल 14वां वर्ष है। और आज प्रथम दिवस की कलश यात्रा बौरेश्वर मंदिर बौरपुल से शिव मंदिर कालाढूंगी तक यहाँ पर तक आई और आज पूजा के साथ गणपति बप्पा की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और आज से लगातार 6 दिनों तक बप्पा जी के रात्रि भजन संध्या चलेंगी और झांकियाँ दिखाई जाएंगी। और 25 तारीख को यहाँ से भव्य पूरी जितनी भी मातृशक्ति हमारे जितने भी हिंदू संगठन जितने भी हैं वो सभी के द्वारा बप्पा जी की मूर्ति को बरिश नदी में जाके विसर्जन किया जाएगा और तत्पश्चात बौरेश्वर मंदिर में भंडारा करके इसका समाप्ति की जाएगी।